4 दिन तक तो उसका फ़ोन नहीं आया जी। तो उसके बाद परसों दोपहर को उसका फ़ोन आया, फिर उसने बताया कि मुझे ऐसे करके मम्मी गोलियां लगी हैं। तो वो उस टाइम हॉस्पिटल में था, तो क्योंकि गोलियां लगने के बाद वो 4 दिन के बाद उसको होश आया, वो होश ही उसको हॉस्पिटल में आके आया। तो फिर उसने परसों हमें फ़ोन करके बताया कि मैं ऐसे ऐसे करके बैठा हूँ, तो उसको 4 गोलियाँ लगी हैं, एक उसका पैर मेरे ख्याल टूटा है, प्लस्तर चढ़ा हुआ है। चिंता तो हमें बहुत हो गई थी भी क्यों फ़ोन नहीं कर रहा, क्यों टीवी में देखते थे कि लड़ाई लग गई है, तो हम ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है हमारा लड़का सुरक्षित है कहीं भी है। बहुत चिंता थी, हम तो सारा दिन रात के 1-1, 1:30 बजे तक टीवी लगा के बैठते थे, NDTV लगाना, और उसमें रिपोर्ट देखते रहते थे भी क्या हो रहा क्या हो रहा। मेरा बच्चा तो ठीक है, मेरे को तकलीफ है, मेरा बेटा है, मेरे को तो जिन बाहों के बेटे बाहर हैं सबको सही सलामत उनको यहाँ वापस पहुँचाया जाए।